दो फोन्स, सेम प्रोसेसर, काफी सिमिलर परफॉर्मेंस और अलग ब्रांड नेम्स, ऐसे में यूजर्स को काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। मैं बात कर रहा हूँ OnePlus 10 Pro एंड Xiaomi 12 Pro की, जो कि दोनों ही फ्लैगशिप Snapdragon 8 Gen 1 चिपसेट के साथ आते हैं एंड प्राइस सेगमेंट जो है वो एग्जैक्टली सेम है। अब ऐसे में अगर आपको एक एंड्रॉइड फ्लैगशिप फोन लेना है तो दोनों में से कौन सा लेना चाहिए, कौन सा फोन ज्यादा बढ़िया वैल्यू प्रोवाइड करता है और दोनों में से कौन सा फोन जीतेगा, वो तो एक काफी बढ़िया सरप्राइज है जो कि मैं एंड में बताऊंगा। OnePlus 10 Pro, Xiaomi 12 Pro को सामने से देख के फर्क बताना बहुत ज्यादा मुश्किल है और ये दोनों ही फोन्स काफी ज्यादा प्रीमियम लगते हैं विद दैट स्लाइट कर्व्ड डिस्प्ले डिजाइन। ओवरऑल दोनों फोन्स की बिल्ड भी काफी ज्यादा सिमिलर है, स्लीक डिजाइन, मेटल फ्रेम्स एंड ऑलमोस्ट एकदम सेम बॉडी वेट, बट पीछे से इन दोनों ही फोन्स का लुक एकदम अलग है, मेनली बिकॉज ऑफ दैट कैमरा बम्प एंड ब्रांड लोगो। तो ऐसे में दोनों को साइड बाय साइड रखें तो Xiaomi काफी ज्यादा मिनिमल लुक्स वाला फोन लगता है, वहीं यहाँ पर OnePlus 10 Pro काफी ज्यादा बोल्ड लुक्स के साथ आता है, which is slightly different for a OnePlus phone. बाकी यहाँ पर बैक साइड पर दोनों में ही आपको फ्रॉस्टेड बैक ग्लास फिनिश देखने को मिल जाती है, जिसमें बिल्कुल भी फिंगरप्रिंट स्मजेस नहीं आते एंड आई रियली लव दैट। बट आई मस्ट से जो ओवरऑल इन हैंड फील है वो OnePlus 10 Pro की ज्यादा बढ़िया इन कंपैरिजन टू Xiaomi 12 Pro, mainly because of this right weight distribution. Also, I really love the alert slider, जो कि यहाँ पर OnePlus बाकी सारे phones में देना बंद कर चुका है and OnePlus 10 Pro में last बार था जो आपको ये देखने को मिला, एंड प्रैक्टिकली डेली लाइफ में स्लाइडर का काफी ज्यादा यूज होता है। वहीं बात करें Xiaomi की तो यहाँ पर कुछ और डिटेल्स देखने को मिल जाती है आपको, ऊपर और नीचे की तरफ सिमेट्रिकल स्पीकर ग्रिल्स देखने को मिलती है विद द ब्रांडिंग ऑफ हरमन कार्डन, और साथ ही में यहाँ पर आपको Xiaomi का आइकॉनिक IR सेंसर देखने को मिल जाता है, जिसका साथ Xiaomi ने अपने प्रीमियम फ्लैगशिप फोन में भी नहीं छोड़ा। वहीं बात जब प्रीमियम फ्लैगशिप फोन की आती है तो IP रेटिंग ना देना थोड़ा सा ज्यादा रिस्की हो जाता है, जो रिस्क Xiaomi ने लिया Xiaomi 12 Pro के साथ IP रेटिंग ना देके। वहीं यहाँ पर आपको OnePlus 10 Pro में हाई लेवल IP68 रेटिंग देखने को मिल जाती है फॉर वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस, और ये जो Xiaomi ने रिस्क लिया है इसको मैं तो अप्रिशिएट बिल्कुल भी नहीं करता। बाकी एक बार अगर मैं दोनों फोन्स की आपको सिम ट्रेस दिखाऊं तो यहाँ पर आपको दोनों में सिम ट्रे के अराउंड रबर ग्रिप देखने को मिल जाती है फॉर दैट इनग्रेस प्रोटेक्शन, जो कि हल्की फुल्की वाटर प्रूफिंग प्रोवाइड करती है। और बात करें अगर ड्रॉप प्रोटेक्शन की तो OnePlus 10 Pro, Xiaomi 12 Pro दोनों में ही आपको फ्रंट साइड पर देखने को मिलता है हाईएस्ट लेवल कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टिस फॉर द बेस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। वहीं बात करें अगर बैक साइड की तो दोनों में ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का बैक ग्लास है, तो यहाँ पर कोई भी कमी नहीं छोड़ी है दोनों ही फोन्स में। अब बात जब डिस्प्ले की आती है तो दोनों फोन्स को अगर आप फ्रंट साइड से देखोगे तो आपको बिल्कुल भी इनिशियली फर्क नहीं लगेगा, एग्जैक्टली सेम साइज 6.7 इंचेस का है, दोनों में ही आपको WQHD प्लस रेजोल्यूशन डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, बट इन रियल लाइफ दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंसेस है। Xiaomi 12 Pro का डिस्प्ले OnePlus 10 Pro के डिस्प्ले से ज्यादा ब्राइट है एट फुल ब्राइटनेस। एक बार लक्स मीटर से दोनों फोन्स की डिस्प्ले ब्राइटनेस भी चेक करके देख लेते हैं। अब इवन दो ये दोनों डिस्प्लेस काफी ज्यादा बढ़िया है, बट ये जो डिस्प्ले ब्राइटनेस वाला डिफरेंस है ना, ये आपको सिर्फ तभी फील होगा जब आप इन दोनों डिस्प्लेस को साइड बाय साइड कंपेयर करोगे, अदरवाइज ऐसा कोई भी इशू नहीं है एंड आई डोंट थिंक ऐसा कोई भी करके देखने वाला है। सो मुझे नहीं लगता डेली यूजेज में इतना ज्यादा फर्क पड़ता है, बट यस यहाँ पर आपको Xiaomi के डिस्प्ले में डेडिकेटेड डॉल्बी विजन HDR सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, जिस वजह से जो कंटेंट कंजम्पशन का ओवरऑल एक्सपीरियंस होता है वो और एनहांस हो जाता है। सो हाँ, यहाँ पर फर्क जरूर है एंड फॉर दैट ब्राइटर एंड बेटर डिस्प्ले एक्सपीरियंस यू कैन गो फॉर द Xiaomi 12 Pro। इनफैक्ट कलर्स और डिस्प्ले शार्पनेस के मामले में भी मुझे Xiaomi 12 Pro का डिस्प्ले ज्यादा बेटर लगा, मे बी बिकॉज डिस्प्ले के जो कलर्स है वो स्लाइटली वार्मर साइड पर है इन कंपैरिजन टू OnePlus 10 Pro, जहां पर इतना ज्यादा डिस्प्ले सैचुरेशन नहीं है। स्क्रीन कस्टमाइजेशंस की बात करें तो यहाँ पर दोनों फोन्स में काफी सारी देखने को मिल जाती है। Xiaomi 12 Pro के डिस्प्ले को आप टोटली अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, फ्रॉम कंट्रास्ट, सैचुरेशन लेवल टू एनी टाइप ऑफ डिस्प्ले कलर। वहीं बात करें अगर फीचर्स की तो वो आपको ज्यादा OnePlus 10 Pro में देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो। अब बात करें रिफ्रेश रेट की तो ये दोनों ही फोन्स में आपको 120 हर्ट्ज LTPO 2.0 पैनल देखने को मिल जाता है, विच बेसिकली मीन्स कि यहाँ पर जो रिफ्रेश रेट है वो डायनामिकली एडजस्ट कर जाता है फ्रॉम 1 हर्ट्ज टू 120 हर्ट्ज, एंड बिलीव मी दोनों ही फोन्स काफी ज्यादा स्मूथ फील होते हैं। बट स्टिल इफ आई हैव टू चूज वन, आई डेफिनेटली पिक द Xiaomi 12 Pro। सो यू कैन सी Xiaomi 12 Pro OnePlus 10 Pro से ज्यादा स्मूथ लग रहा है, यहाँ पर एनिमेशन ज्यादा स्मूथ है एंड आई बिलीव Xiaomi ने सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन LTPO पैनल के लिए काफी बढ़िया से करी है। अब धूप में भी डिस्प्ले टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम आउटडोर एनवायरमेंट्स में ही अपने फोन यूज कर रहे होते हैं। सो स्क्रीन ब्राइटनेस निट्स के रिजल्ट्स तो कुछ ऐसे निकल के आए हैं, मुझे समझ नहीं आया बहुत ऑड क्यों है, बट
If you ask me, in my personal daily life experience, Xiaomi 12 Pro का display बहुत ज़्यादा bright लगता है in comparison to OnePlus 10 Pro. कई बार ऐसा होता है ना कि धूप की वजह से screen fade away हो जाती है, अगर आपने auto brightness feature on करा होता है, जो कि Xiaomi में मुझे कभी नहीं feel हुआ. वही OnePlus 10 Pro की बात करूँ, तो यहाँ पर मुझे बार-बार display की brightness को full करना पड़ा धूप में यूज करने के लिए. बट हाँ, तड़पती धूप में ये दोनों फोन्स बहुत ज्यादा हीट अप हो जाते हैं. इसके अलावा मुझे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फीचर भी दोनों फोन्स में काफी पसंद आया. बट OnePlus 10 Pro में आपको एक्स्ट्रा लेवल ऑफ कस्टमाइजेशंस देखने को मिलती है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के लिए. मे बी बिकॉज OG ऑलवेज ऑन डिस्प्ले OnePlus ही लेके आया था एंड्रॉइड फोन्स में. यहाँ पर आप देखो, आप कैनवस लगा सकते हो, कस्टमाइज्ड पैटर्न्स, टेक्स्ट्स, बिटमोजीज, ओमोजीज, जो आपको चाहिए आप वो लगा सकते हो. एंड इतने सारे लेवल्स ऑफ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कस्टमाइजेशंस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं. ऐसा नहीं है कि Xiaomi में कमी है, Xiaomi में भी बहुत सारे अलग अलग फीचर्स हैं. बट हाँ, OnePlus 10 Pro के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा पीछे रह जाता है. एंड यस, आई रियली लव दिस कैनवस वाला ऑलवेज ऑन डिस्प्ले. फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो दोनों में ही आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, जिसकी पोजीशन बहुत ही सही है. मतलब मैं कब से बोलता आया हूँ सारे ब्रांड्स को कि यार फिंगरप्रिंट सेंसर को एजेस के अराउंड मत प्लेस किया करो, जो कि ये दोनों फोन्स ने ही मेरी सुनी है. एग्जैक्टली सेंटर के आसपास प्लेस्ड है. जब भी आप फोन को पिक करते हो और यूज करते हो तो अनलॉक करने में ना काफी ज्यादा ईज हो जाती है. बट बात करें दोनों में से फास्टर कौन सा है, तो मैं बता दूं, Xiaomi 12 Pro को फिंगरप्रिंट सेंसर से अनलॉक करने के वक्त हैप्टिक्स तो बहुत अच्छे फील होते हैं, बट थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि आपको स्क्रीन पर हार्ड प्रेस करना पड़ता है. वहीं बात करें OnePlus 10 Pro की, तो ये बड़ी फटाक से आपका अनलॉक करके दे देता है, जो कि काफी सही है. और जैसे कि अभी मैं बता रहा था आपको कि आपको सिमेट्रिकल स्पीकर ग्रिल्स देखने को मिलती हैं, इसमें आपको Xiaomi ने 12 Pro में क्वाड स्पीकर्स ऑफर किए हैं पावर्ड बाय हरमन कार्डन साउंड, क्योंकि यहाँ पर आपको दो स्पीकर्स और दो ट्वीटर्स देखने को मिलते हैं. एंड ऑल ऑफ दिस इज पावर्ड बाय स्नैपड्रैगन साउंड. एंड एक्चुअली में जो ओवरऑल साउंड एक्सपीरियंस है वो काफी सही है. जब भी आप फोन लैंडस्केप में यूज करते हो और ऑडियो सुनते हो, तो लेफ्ट और राइट से एग्जैक्टली बैलेंस्ड ऑडियो निकल के आती है, जो कि काफी सही है. बट अगर OnePlus 10 Pro की बात करें, तो यहाँ पर जो स्टीरियो साउंड है वो आपके ईयर पीस की वजह से आ रही है. दैट इज वाई जब भी आप लैंडस्केप में इसको यूज करोगे तो ऑडियो राइट से ज्यादा लगेगी आपको. इट्स नॉट वेरी वेल बैलेंस्ड. एंड ऑल इन ऑल अगर आपको मैं एक बार ऑडियो टेस्ट करके भी दिखा दूं, मुझे Xiaomi 12 Pro के स्पीकर्स ज्यादा लाउड एंड क्लियर लगे इन कंपैरिजन टू OnePlus 10 Pro. इसके अलावा आपको इन दोनों ही फोन्स में Dolby Atmos साउंड सपोर्ट देखने को मिल जाता है विद मल्टीपल साउंड प्रोफाइल्स. बात जब परफॉर्मेंस की होती है तो सबसे पहले लोगों को स्कोर्स देखने होते हैं. यार Antutu स्कोर्स दिखाओ, Geekbench स्कोर्स दिखाओ, तो दिखा देता हूँ वो भी. बट यू मस्ट नो कि दोनों में ही आपको सेम प्रोसेसर देखने को मिलता है, विच इज द Snapdragon 8 Gen 1 चिपसेट, फ्लैगशिप प्रोसेसर है. बट स्कोर्स में थोड़ा सा डिफरेंस था यहाँ पर सिंथेटिक टेस्टिंग के टाइम पर. Antutu स्कोर्स एज वेल एज Geekbench स्कोर्स Xiaomi 12 Pro के OnePlus 10 Pro के कंपैरिजन में काफी ज्यादा निकल के आए, और मुझे ऐसा लगा कि Xiaomi 12 Pro का शायद से जो प्रोसेसर है वो ओवरक्लॉक किया गया है, तभी स्कोर्स में इतना ज्यादा डिफरेंस निकल के आ रहा है इवन ऑन द सेम प्रोसेसर. इसके अलावा Snapdragon 8 Gen 1 चिपसेट जो है वो काफी पावरफुल है, इन दोनों ही फोन्स में आपको देखने को मिलता है. बट जो थर्मल्स हैं वो OnePlus 10 Pro के ज़्यादा बेटर हैं इन कंपैरिजन टू Xiaomi 12 Pro. इन दोनों फोन्स में मैंने साइड बाय साइड CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट रन किया एंड यू कैन सी द रिजल्ट्स. Xiaomi 12 Pro की परफॉर्मेंस 70% तक ड्रॉप हो गई थ्रॉटलिंग टेस्ट में, वहीं यहाँ पर OnePlus 10 Pro stayed at 77%. बट डोंट वरी, ये जो Xiaomi 12 Pro की ओवरहीटिंग इशू है ना, ये सिर्फ बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ प्रोसेसिंग या फिर गेमिंग के टाइम पर ही फील होती है, या फिर बहुत ज़्यादा धूप में. अदरवाइज डेली लाइफ यूजेज में आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये फोन हीटअप हो रहा है. सो वी आर सिटिंग इन द स्टूडियो राइट नाउ एंड दोनों फोन्स मेरे हाथ में ही है, काफी चिल पिल कूल है, बिल्कुल भी गर्म नहीं हो रहे हैं. अभी इसमें थोड़ी देर पहले ही टेस्ट रन किया था. बट ये जो Xiaomi 12 Pro के थर्मल इशूज थे, Xiaomi ने अभी रिसेंटली क्लेम किया था कि इसको आने वाले सॉफ्टवेयर अपडेट्स में करेक्ट कर दिया जाए. बाकी अभी तक इतना ज्यादा क्लियर तो हुआ है नहीं कि कूलिंग सिस्टम्स कितने ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, बट हाँ, आपको इन दोनों ही फोन्स में काफी ज्यादा हाई लेवल कूलिंग सिस्टम्स देखने को मिलते हैं. OnePlus 10 Pro में आपको देखने को मिलता है एक 5-layer 3D passive cooling system, जो कि परफॉर्मेंस को
मैक्सिमाइज करता है, इस फोन को बहुत कम हीटअप होने देता है एंड एक्चुअली वो सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट के टाइम पर पता चली गया। बट बात करें Xiaomi 12 Pro की तो यहाँ पर भी आपको 3 ग्रेफाइट लेयर वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम देखने को मिलता है, बट इतनी ज्यादा थर्मल स्ट्रॉन्ग नहीं है। बट जरा रुको, अभी आपको दिखाता हूँ कितना हीट होता है। आप यहाँ पर देख ही सकते हो, थोड़ी सी हैवी यूजेज के बाद ही जो टेम्परेचर राइज है वो काफी ज्यादा हो गया है दोनों ही फोन्स का। बट हाँ, Xiaomi 12 Pro comparatively OnePlus 10 Pro से ज्यादा हीट अप हो गया है ऑन द फ्रंट एज वेल एज ऑन द बैक साइड। बाकी अगर गेमिंग मोड्स की बात करें तो ये काफी इंटरेस्टिंग होते हैं क्योंकि ये सॉफ्टवेयर वाइज ब्रांड्स ऑफर करते हैं आपको एंड दोनों में ही आपको यहाँ पर डिफरेंसेस मेजर देखने को मिलते हैं। जो OnePlus का आपका डेडिकेटेड गेमिंग मोड है उसमें आपको काफी ज्यादा एनहांस फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। आप परफॉर्मेंस मोड्स चेंज कर सकते हो, आप यहाँ पर टच सेंसिटिविटी कस्टमाइज कर सकते हो एंड बाकी भी और सारे फीचर्स। वहीं बात करें Xiaomi 12 Pro की तो उसका गेमिंग मोड कुछ ऐसा दिखता है जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो एंड ये काफी फेमिलियर है क्योंकि बजट Xiaomi फोन्स में भी कुछ ऐसा ही गेम टर्बो मोड आपको देखने को मिलता है। बट आई एम इम्प्रेस्ड कि गेमिंग के टाइम पर भी इतने सारे फीचर्स मिलते हैं। अब बात हल्की सी गेम की हुई है तो यार बैटरी भी बहुत ज्यादा कंसर्निंग हो जाती है। OnePlus 10 Pro में तो आपको बेझिझक 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है जो कि फ्लैगशिप फोन के हिसाब से सही भी है। बट Xiaomi 12 Pro में देयर इज अ स्लाइट डिसअपॉइंटमेंट इन टर्म्स ऑफ बैटरी, सिर्फ 4600 mAh की बैटरी मिलती है जो कि आज की डेट के 2022 के फ्लैगशिप के हिसाब से थोड़ी सी कम है। 12 Pro में इवन एवरेज डेली यूजेज में आपको हार्डली 5 घंटे का स्क्रीन टाइम मिलेगा जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा कम होता है, स्पेशली आफ्टर यूजिंग द iPhone 13 Pro क्योंकि वहां पर तो 7.5 से 8 घंटे का मिलता ही है। बट बात करें OnePlus 10 Pro की तो यहाँ पर आपको आराम से 7 घंटे का स्क्रीन टाइम मिल जाएगा। 1 थैंक्स टू द 5000 mAh बैटरी, 2 यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन है Snapdragon 8 Gen 1 चिपसेट के साथ वो काफी सही से करी गई है। बाकी यार आई लव हाउ Xiaomi एंड OnePlus बोथ ऑफ देम आर गिविंग चार्जर्स इन द बॉक्स, दैट टू एक्सपेंसिव हेवी चार्जर। सॉरी, क्या कर रहे हैं यार तू, मजाक है क्या? ओके, सो आई एम बैक। Xiaomi 12 Pro की 120 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग ब्रिक अल्टीमेट फास्ट है लिटरली। इन माय डेली लाइफ एक्सपीरियंस Xiaomi 12 Pro को चार्ज करने में कभी भी मुझे 20 मिनट से ज्यादा तो नहीं लगे। OnePlus 10 Pro को 0 से 100% तक चार्ज करने में एटलीस्ट 35 मिनट्स आपको चाहिए विद दैट 80 वॉट सुपर वॉक चार्जर जो कि आपको OnePlus इन द बॉक्स प्रोवाइड कर रहा है। वही OnePlus 10 Pro भी काफी ज्यादा फास्ट है बट हाँ, Xiaomi 12 Pro के कंपैरिजन में काफी पीछे रह जाता है। एंड नाउ दैट 5G इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, स्पेक्ट्रम सोल्ड आउट हो चुके हैं एंड बहुत जल्दी 3 से 4 महीने में 5G रोल आउट भी होने वाला है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। OnePlus 10 Pro में आपको सिर्फ 9 5G बैंड्स देखने को मिलते हैं, वहीं यहाँ पर Xiaomi 12 Pro में आपको 14 5G बैंड्स देखने को मिलते हैं। बट नेवरदलेस, जब भी 5G कमर्शियली रोल आउट होगा दोनों में ही आपको 5G सपोर्ट देखने को मिल जाएगा क्योंकि मोर और लेस ये वही सारे बैंड्स हैं जो कि इंडिया में कमर्शियली रोल आउट होने वाले हैं। बाकी यार देखो, कॉल रिकॉर्डिंग वाली प्रॉब्लम ना एक बहुत मेजर कंसर्न चल रहा है पूरे एंड्रॉइड इंडस्ट्री में। गूगल की मोनोपोली है, अपने फोन्स में खुद OnePlus और Xiaomi वाले अपने डायलर्स नहीं दे पा रहे हैं तो यहाँ पर गूगल डायलर देने के चक्कर में ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग वाला फीचर है उसको सरेंडर करना पड़ रहा है। इनफैक्ट इवन वो जो कॉल रिकॉर्डिंग वाली अनाउंसमेंट है उसको भी जबरदस्ती इंक्लूड कर दिया गया है। तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इट्स जस्ट दैट दोनों ही फोन्स में आप मैनुअली ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग सिर्फ अनसेव्ड कॉन्टैक्ट्स के लिए टर्न ऑन कर सकते हो एंड दैट्स ऑल। और हाँ, मार्केट में एक और बहुत सही गिमिक चल रहा है, जब से ये वर्चुअल रैम वाला फीचर आया है लोगों की जो रैम एक्सपेक्टेशंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। Xiaomi is keeping it very minimal, यहाँ पर आपको सिर्फ 3GB ऑफ एक्स्ट्रा सपोर्ट रैम देखने को मिलती है which is called as RAM expansion feature by Xiaomi। वहीं बात करें OnePlus 10 Pro की, यहाँ पर आपको up to 7GB ऑफ वर्चुअल रैम देखने को मिलती है अलॉन्ग साइड द 12GB बेस रैम जो की काफी सही है। बट आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू गाइज, यार आपको क्या लगता है ये वर्चुअल रैम कितनी ज्यादा यूजफुल है, प्रैक्टिकल है भी कि नहीं, लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो। सो फाइनली आ जाते हैं कैमरा पर। यहाँ पर आपको OnePlus 10 Pro एंड Xiaomi 12 Pro दोनों में ही 8K 24fps में वीडियो रेजोल्यूशन शूट करने का ऑप्शन मिल जाता है। सो हैज अ वीडियो सैंपल फॉर यू गाइस, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने 8K में नहीं शूट की है, रेंडर करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। सो गाइस, दिस इज अ वीडियो सैंपल इन 1080p रेजोल्यूशन, दोनों में मैंने अल्ट्रा स्टेडी मोड ऑन कर रखा है एंड दोनों में ही आप देख सकते हो कि कलर्स कैसे निकल के आ रहे हैं। Xiaomi में थोड़े से ज्यादा वार्म है, वहीं यहाँ पर अगर OnePlus की बात करें तो यहाँ पे थोड़े से नेचुरल कलर्स निकल के आते हैं। एक बार आप मुझे माइक की ऑडियो बताना जरूर कि आपको दोनों में से किस में ज्यादा बेटर लगी। सो आपने देखा कैसे Xiaomi 12 Pro का जो वीडियो सैंपल था उसमें स्लाइटली जो टोन थी वो थोड़ी सी वार्मर साइड पर थी इन कंपैरिजन टू OnePlus 10 Pro, एंड जो ऑडियो मतलब माइक की जो ऑडियो थी वो भी Xiaomi 12 Pro की OnePlus 10 Pro से थोड़ी सी ज्यादा बेटर थी।
बात करें यहाँ पर अगर स्लो मोशन वीडियोस की, अगर आपको बनाना पसंद है तो Xiaomi 12 Pro में आपको 1920 FPS at 720p रेजोल्यूशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि OnePlus 10 Pro में सिर्फ 480 FPS तक ही रिस्ट्रिक्टेड है। बाकी बात करें अगर कैमरास की कि फोटोज कैसी निकल के आती हैं, तो यहाँ पर Xiaomi 12 Pro takes a slight lead, क्योंकि पहली बात तो यहाँ पर आपको जो तीनों कैमराज हैं वो 50 मेगापिक्सल के मिलते हैं इन कंपैरिजन टू OnePlus 10 Pro। बाकी यहाँ पर जो OnePlus की Hasselblad साइंस है ना, उस वजह से मुझे ऐसा लगा कि जो फोटोज है वो थोड़ी सी म्यूटेड साइड पर चली जाती है, नेचुरल लुकिंग टाइप्स जो ओवरऑल कलर्स हैं वो स्लाइटली डल हो जाते हैं। वहीं अगर Xiaomi 12 Pro के शॉर्ट्स देखो आप, तो वहाँ पर जो कलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपी निकल के आते हैं, मतलब एक्चुअली में इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव लुकिंग पिक्चर्स हैं, यू कैन सी फॉर योरसेल्फ। Xiaomi की फोटोज में कंट्रास्ट और सैचुरेशन काफी ज्यादा है, चाहे वो ग्रीन्स की बात करो या येलोज की। वहीं OnePlus की फोटोज देख के कई बार ऐसा लगेगा कि कलर बैलेंस बहुत ज्यादा प्रॉपरली किया हुआ है, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा लेवल ऑफ सैचुरेशन नहीं है। बट आई एम श्योर ये वाले कैमरा सैंपल्स देखने के बाद आपको Xiaomi 12 Pro के सैंपल्स ज्यादा पर्सनली पसंद आएंगे। अब एक बार कुछ आपको सेल्फीज भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर थोड़ी सी गेम अलग है। OnePlus 10 Pro takes better looking selfies, details यहाँ पर ज्यादा है, clarity यहाँ पर ज्यादा है, background bokeh effect भी OnePlus 10 Pro का better है, और ये results indoor lighting and outdoor lighting के लिए consistent है। Xiaomi 12 Pro की selfies मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी सी ज्यादा beautified है एंड कई बार मुझे whitewashed भी लगी। अब जो low light है उसमें story थोड़ी सी अलग है। Xiaomi 12 Pro ज्यादा better और sharper low light images deliver करता है in comparison to 10 Pro। ये वाला जो low light sample आप देख रहे हो, इसमें आपको पता ही चल रहा होगा कि OnePlus 10 Pro वाली फोटो में थोड़ी सी नॉइज है, वहीं Xiaomi 12 Pro काफी ज्यादा शार्प लो लाइट फोटोज देता है। ओके, सो क्वाइट एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ब्लोटवेयर, प्री इंस्टॉल थर्ड पार्टी एप्स। देखो वैसे तो आप जितनी भी प्री इंस्टॉल्ड एप्स आती हैं उनको मैनुअली जाके डिलीट कर सकते हो, बट यहाँ पर बात करें Xiaomi की तो उन्होंने बहुत ज्यादा पहले से इंप्रूवमेंट्स करी हैं, स्पेशली फॉर देयर फ्लैगशिप सेगमेंट Xiaomi 12 Pro। यहाँ पर इतना कम ब्लोटवेयर थर्ड पार्टी एप्स देखने को मिलती है दैट यू विल बी इम्प्रेस्ड। बस एक ही जो जिली ऐप दे दिए यार, इसको भी हटा देते तो सही हो जाता थोड़ा सा। बाकी यहाँ पर आपको सिर्फ Netflix, Amazon Prime, गेट ऐप्स जैसी कुछ स्टैंडर्ड एप्स ही देखने को मिलती है, एंड दैट ऑल्सो यू कैन डिलीट। वहीं बात करें OnePlus 10 Pro की, तो इसका तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस हमेशा से ही काफी स्मूथ रहा है। यहाँ पर आपको सिर्फ एक दो एप्स ही देखने को मिलती हैं जो कि किसी काम की नहीं है, जैसे कि Netflix या फिर ZenMode, बट इसको मैं प्री इंस्टॉल्ड एप्स या फिर थर्ड पार्टी एप्स या ब्लोटवेयर नहीं कहूंगा, क्योंकि यार Netflix तो हर कोई चलाता ही है, राइट। बट जो ये वाला क्वेश्चन है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, कौन सा सॉफ्टवेयर बेटर है। देखो यहाँ पर मैं OnePlus 10 Pro को ऑलरेडी Android 13 पर अपग्रेड कर चुका हूँ, सो यहाँ पर ऑक्सीजन OS 13 चल रहा है। वहीं यहाँ पर Xiaomi 12 Pro में Android 12 है अभी, विच इज MIUI 13 बेस्ड, तो दोनों का जो एक्सपीरियंस है वो काफी सही है। Xiaomi में बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन आई हैं, जिस वजह से ओवरऑल जो यूजर एक्सपीरियंस है वो काफी स्मूथ लगता है, बट फीचर्स वाइज, कस्टमाइजेशन वाइज, यहाँ पर OnePlus 10 Pro का मुझे सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस ओवरऑल Xiaomi 12 Pro से ज्यादा बेटर लगा। और अगर लॉन्गेविटी की बात करें तो दोनों ही फोन्स काफी सॉर्टेड है। OnePlus और Xiaomi दोनों ने ही प्रॉमिस किया कि इन दोनों फोन्स में आपको 3 years ऑफ एंड्रॉइड अपडेट्स देखने को मिलेंगे आफ्टर द एंड्रॉइड 12 अपडेट, जिसके साथ ये दोनों शिप होते हैं, एंड 1 year ऑफ एडिशनल सिक्योरिटी पैच अपडेट्स, जो कि काफी सही है फॉर अ प्रीमियम फ्लैगशिप फोन। सो फाइनली बारी उस क्वेश्चन को आंसर करने की कि दोनों में से लेना कौन सा है भाई। देखो ये दोनों ही फ्लैगशिप फोन्स हैं, ओवरऑल काफी बढ़िया एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं, और प्राइसिंग के हिसाब से दोनों में से किसी एक को चूज करना थोड़ा सा मुश्किल भी है, क्योंकि इतने थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं जो कि कंफ्यूजन को क्रिएट कर देते हैं। और ऐसे में डिसीजन इजी करने के लिए आपको चूज करना है कि आपकी एक नए फोन से एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। देखो बहुत इजी वे में बताऊंगा, अगर आपको एक जबरदस्त डिस्प्ले चाहिए, 120 वॉट्स चार्जिंग स्पीड चाहिए, और एक बढ़िया कैमरा चाहिए जिसमें कलर्स थोड़े से इंस्टाग्राम वर्दी निकल के आते हैं, तो गो फॉर Xiaomi 12 Pro। वहीं अगर आपको बेटर परफॉर्मेंस, बैटरी एंड सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए एंड डेफिनेटली दैट अलर्ट स्लाइडर, तो यू कैन गो फॉर द OnePlus 10 Pro। However, Xiaomi 12 Pro की एक ना एडवांटेज ये है कि इसकी जो प्राइसिंग है वो बहुत एग्रेसिव है। ये एक प्रीमियम फ्लैगशिप फोन है, बट स्टिल डील्स एंड ऑफर्स के टाइम पर ये एज लो एज 50,000 रुपए में मिल जाता है, जो कि काफी क्रेजी डील हो जाती है। वही OnePlus 10 Pro को लेने के लिए एटलीस्ट 60,000 आपको चाहिए। सो हम ऐसी और बढ़िया FAQs आपके लिए लेके आते रहेंगे बैक टू बैक, हर रोज कोशिश करेंगे कि एक नया FAQ आए आपके लिए, ताकि आसान हो जाए कोई एक फोन को चूज करना। सो हम मिलेंगे अगली वीडियो में, मैं जा रहा हूँ नई वीडियो बनाने, तब तक के लिए बाय बाय।